मीका जी आराम कर रहे और कोई है भी नहीं। चलिए गुलगुले जी का आइडिया अप्लाई करते हैं, चल के उनके पैर पकड़ लेते हैं। उठा मुझे, चल उठा मुझे, कैसे जाऊंगा। मीका जी हमें माफ कर दीजिए। क्या है ना जी, वो मेरा दोस्त संधु है ना जी, उसकी साली की शादी है जी। मैं चाहता था जी आप दो मिनट के लिए वहां पे एक एंट्री मार देते थे जी, मेरी इज्जत बन जाती। अब तो नहीं तो मेरे को हंटर से पिटाई होगी जी। प्लीज पानी कुछ कर दो, पानी थोड़े हाथ है भाजी। भाजी तो मैं हाथ पे उड़ता, मैं की करा उड़ता जी। ओ मैं क्या जी, वो की गले महाराज। भैया ये तो रॉन्ग नंबर लग गया, ये मीका जी नहीं है। वेल कहाँ है पाजी मीका इसदा, जल्दी बता वरना पंच मारूंगा तीखा इसदा। ओ जी मैं क्या जी, गले आया है वो साहब जी ना शो करने वास्ते गए हुए। ओ जी मैं तो उनका नौकर हूँ जी। नौकर होके मालिकों के कपड़े पहनता, शर्म नहीं आती तुझे? मारो भैया इसको। लेना पहचान इसदा, वरना मॉम मार मार के ले लेगी हमारी जान इसदा। हाँ भैया मैडम का फेवरेट है मीका, और अगर मैडम को पता चल गया ना कि हमने उसकी गाड़ी पे पत्थर मारे हैं तो फिर मैडम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। के बर्दाश्त ना करूंगी मैं। हाँ क्या बातें हो रही है? नहीं वो कुछ नहीं, वो मैडम मैं ये कह रहा था भैया से कि वो डायरेक्टर साहब कह के ना कि वो मीका जी को लेके आएंगे चौकी में, तो मीका जी आएंगे तो उनको देख के मैडम वो खुशी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों बालक हूं मैं ना? सही बात है कि मीका हमारा फेवरेट सिंगर है, पर मैं बालक हूं जो मैं बर्दाश्त ना कर पाऊंगी। और रही बात वो डायरेक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड की, ना तो मैं फर्स्ट मीटिंग में मैं समझ गई थी कि वो दोनों ही फ्रॉड्स हैं। ज्यादा यहाँ एक्साइट होने की जरूरत ना है, कोई मीका भी करना आने वाला, काम पे लगो। मैं तेरा हूं। अरे आपने कौन नहीं जानता, और मैं तो खासकर आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपके सारे गाने मैंने बाय हार्ट कर रखे हैं। मैं जी नंबर वन फैन हूँ और घनी खुश हूँ जी। आज तक तो बस टीवी रेडियो यहाँ वहाँ बस देखा सुना ही था, आज देख लिया साक्षात जिंदा। थैंक यू जी, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ चंद्रमुखी जी। आई थिंक इंडिया में कोई अगर हॉट कॉप है तो वो सिर्फ आप ही हो, और आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो क्योंकि मैं एक हॉलीवुड मूवी में एक्शन करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने मेरा गाना सुना है वैसे ही वो मुझे इंस्पेक्टर के रूप में एक मेरा एक्शन भी देख लेंगे। अरे सर आप देखिए, ऐसा टिरेन करूंगी कि लोग कहेंगे भाई यो आया मार्केट में एक्शन हीरो। अरे क्या है यार, गाड़ी में पेंट फंस गई यार, तो संभाल के करना चाहिए था ना। फंसा तो अकेले एक ही तो है। अरे मैडम कैसे हो, है दैया रे। देखा मैडम मैंने क्या कहा था है? अरे मेरा नाम पटेल ऐसे ही नहीं है। कैमरा मैन मूड में, मैं हॉलीवुड में। मीका जी जरा इफ यू डोंट माइंड जरा दो मिनट के लिए, जरा एक सेकंड यहाँ आइए। दो जी होने आ गए जी। मीका जी आपको ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि इस गुजराती हॉलीवुड डायरेक्टर के चक्कर में आ गए हो इसकी फिल्म करने के? ये तो अपनी गर्लफ्रेंड ना कुछ इलाहाबादी नाम है उसका, ना उसको पिक्चर कराने के चक्कर में फिल्म बना रहा। अच्छा जी वैसे मुझे इस बात का पता है जी,
पर चंद्रमुखी दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि यार इसकी हेल्प कर दे, तो मैं इसकी हेल्प करने के लिए ना ये पिक्चर कर रहा हूँ। वरना मैं फिल्म का कितने शौक है जी, पर तुम्हें पता कि मैं दोस्ती निभाने में नंबर वन हूँ। सो मैं सोच रहा हूँ चलो एक दोस्त की खुशी के लिए एक्टिंग की कुर्बानी दे दो। एक मिनट, तुम दोनों वही हो? छीलूंगा मटर गिरा के शटर। ओके हो या बाजपेयी जी? अरे मिक्का जी, ये वही दोनों लफंगे हैं जिन्होंने आपकी कार पे पत्थर फेंका था और हमने इन्हें देखा था। क्या गोपी बिल्लू, क्या कह रहे हो? वेल मॉम, इनको जरूर कोई इन्फेक्शन हुआ है जी। कंफ्यूजन या दिस वन? हाँ मैडम, हमने तो इनकी कार देखी भी नहीं है। और इनकी कार तो क्या, हमने तो इनकी कार की आज तक फोटो भी नहीं देखी है कभी। ऐसा है? और ज्यादा हमसे इलविल कौवा चील तो करो नहीं। और हम जिसे एक बार देख लेते हैं तो उसकी सूरत जो है ना वो हमारे आंखों में कैद हो जाती है। पकड़ाया गया क्या है? छीलूंगा मटर गिरा के शटर। भाई बड़ा गोपी बिल्लू, मैं फॉर्मेलिटी से एक पूछ रही हूँ। अगर तो यो इल्जाम सच है तो कबूल कर लो। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो पता नहीं बहुत झूठा सा आदमी है कोई। अच्छा चलिए मीका जी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ, आते ही जो है आपके लिए सबक नंबर वन रेडी से। इब मैं आपको यो दिखाऊंगी कि पुलिस वाले सच कैसे उगलवावे हैं। तो मीका जी, अगर आप चाहें तो आप झांक लें। झांक लें? ठीक है जी, मैं झांकूंगा जी। ओके जी, आओ भाई। ए सेना, चलो अंदर जल्दी जल्दी। वो एक ही मार देता जी। ठोक दिया। काम लगेगा शूटिंग में सब कुछ है? बिल्कुल जी, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ तो भाई, मीका जी की गाड़ी पे पत्थर किसने मारा? या मॉम, वो थे हमीजदा। और किसमें है इतना दामिजदा? हाँ हमने एक नहीं बल्कि दो पत्थर मारे थे, एक ना बड़ा पत्थर मारा था। देखा, बड़े आए थे बात कर रहे थे। छीलूंगा मटर गिरा के शटर। मान गए चंद्रमुखी जी, क्या स्टाइल है तुम्हारा सच बुलाने का। ये मैडम, मेरा कहना तो ये है ना कि इन दोनों को है ना सजा मिलनी चाहिए। अरे इन दोनों ने मीका सुपरस्टार की गाड़ी पे पत्थर फेंका, उसका नुकसान कर दिया। पाजी मैं तुम्हें दसदा जी, असी तुहाडे घर गए सी तुहानू मिलने वास्ते जी, पर थोड़े मैनेजर ने ना बूचड़ जने ने जी सानू तक्के मार मार के घरों बाहर कढ़ता जी। साडी बेइज्जती इन्नी कीती है, पुछो ना जी, मैं तुहानू दस नहीं सकदा जी। बाकी का मैं हिंदी में बताता हूँ। इस आदमी ने, आपके लोकल मैनेजर ने हम लोगों को आपसे मिलने भी नहीं दिया और हमें धक्के मार मार के और वहां से भगा दिया, और एक मुझे पीछे इसने लात भी मारी है। ओ बाज भाई, मैं की सुन रहा यार? मैं जो कुछ भी हूँ मेरे फैंस की बदौलत हूँ यार, और तुमने उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैं आपको सॉरी बोलता हूँ यार। अरे नहीं 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 मीका जी, आपकी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ है यो दोनों भरेंगे, वो भी अपनी एनुअल पगार से। नहीं जी चंद्रमुखी जी, देखो बेचारे मेरे फैंस हैं, अब जो कुछ भी हो गया कोई बात नहीं ना, है तो मेरे फैंस, मुझे मिलने आए थे तो मैंने इनको माफ कर दिया, और आप भी इनको माफ कर दो चंद्रमुखी जी। मीका जी, आपका दिल वाकई बड़ा है। थैंक यू पाजी, पाजी तुसी ग्रेट हो जी, किड्डा वड्डा नाम है मीका सिंह पाजी, बस ऐसा ही नाम चमका दे रहा हूं जी अपना। थैंक यू जी। मैडम मैं चिटपुटे गंज से आ रहा था मैडम, दब्बू दबंग ने आतंक फैला के रखा है। दब्बू दबंग? यो डब्बू दबंग वही है ना जिसको आजकल बहुत रंगबाजी सूझ रही।
चलिए मीका जी, मैं क्या कह रही हूँ, यू आर इन लक भाई। काल करे सो आज, कर रात करे सो अब, कल का वेट क्यों करना है। तो आज मैं आपको देती हूँ एक्शन में क्रैश कोर्स, क्योंकि हरियाणा वालों की भी बैटरी चार्ज रहती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल जी, मैं रेडी हूँ जी सीखने को। बुलवाओ जरा इस डब्बू दबंग ने। ऐसे बोलिए सर। बुलाओ जरा इस डब्बू दबंग ने। चलेगा चलेगा। तो मीका जी, गाना गाने से पहले आप कुछ नमक वगैरह के गरारे कुछ करते हो क्या? बस जी, मैं गरारे तो नहीं करता, लेकिन थोड़ा सा चटनी और अचार खाता रहता जी। इनको पुलिस स्टेशन में नहीं, सर्कस में होना चाहिए था। वेल सर, मानना तो हमारा भी वही है, पर क्या करें। ऊपर से लिखवा के आ गए हैं कुछ लोग कि मूंग तलेंगे छाती पे। करवा ली। अरे मैडम, डब्बू दबंग को आपने याद किया। पूना में है आशिक, गर्लफ्रेंड गई नाशिक। तो तू जाएगा जेल, क्योंकि तो मैं खत्म करूंगी थारी दबंगई का खेल। Are you sure, चंद्रमुखी जी, कि आप इतने लंबे जोड़े भैंसे को पीट दोगे आप? मीका जी, किसी से लड़ने के लिए लंबा चौड़ा होने की ना, बल्कि जिगर की जरूरत पड़े। हाय, क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती हैं। भावे, भावे। सर्कस। अरे, अपनी चौकी में तो बकरी भी शेर नहीं होती है। तो ठीक है, लेट्स प्रिटेंड यो चौकी ना है, बल्कि भैंसों का तबेला है। अरे दीनो, ये कौन सा जानवर ले आया अबे तबेले में? इसको बाहर निकाल। और हरिया, आज भैंसिया 10 लीटर दूध दी है। पी ले। खा। अरे चल बस करना है यार, बिल्कुल कतई भैंस बनने का मौका चाहिए इस आदमी ने। हाँ तो भाई, तो भाई दब्बू दबंग यो पुलिस स्टेशन ना है, और मैं इंस्पेक्टर ना बल्कि एक आम इंसान हूँ। मीका जी, मैं क्या चाह रही थी कि जब मैं इस आदमी को पीटूं, उसकी धुलाई करूं, अगर उस दौरान आप एक मधुर सा गाना गा दें तो। मतलब चंद्रमुखी जी, आप चाहती हैं कि आप उसको पीटो और मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बजाऊं? यस सर। फिर तो डन है जी, चक दो फटे जी, पीट दो उस राक्षस को। तो सही है। क्या बात है। मीका जी, जी ये बाप की बारी, कुछ प्रैक्टिकल हो जाए। देखो जी, मैं तो एक गायक हूँ, और मारना पीटना मेरे बस की बात नहीं जी। अरे पर एक्शन स्टार तो बनना है ना। बिल्कुल जी। चलिए लगाइए पंच। Are you sure जी? या सॉरी पाजी। क्या बात है मीका जी, क्या बात है। आज के बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो सारे गैर कानूनी काम बंद बंद, जुए का अड्डा बंद बंद बंद,
और भैंस का तबेला शुरू शुरू एकदम शुरू। तो चल भाग यहाँ से। अरे भाग। वाह जी वाह, साड़ी चंद्रमुखी तो छा गई जी, इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई की, बेचारा तो भाग ही गया। वैसे मीका जी, दम तो आपके हाथों में भी काफी है। सच्ची मुच्ची। भैया ये कौन सी आपकी नई सेटिंग है जो आपको इतने मिस कॉल दे रही है? नाम तो पढ़ ले किसका लिखा है। संधू कैरी ऑन या दिस वन। भैया आपका दोस्त संधू आपको सुबह से 80 बार फोन कर चुका है और आप 80 बार उसका फोन काट चुके हैं। तो मैं क्या करूं इसदा, फोन उठा के उसके हाथों मरूं इसदा। बिल्लू यार सुबह से 80 फोन कर चुका, 50 मैसेज भेज चुका है। हर मैसेज में एक ही बात पूछता है, मीका कब आ रहा है, मीका से बात हुई क्या। मैं समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार। उसने अपने सारे रिश्तेदारों में ये बात फैला दी है कि मीका उसकी साली की शादी में आ रहा है। मैं क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा। वैसे भैया पंजाबियों में ये सब बहुत होता है, बहुत बेइज्जती हो जाएगी संधू जी की अगर मीका जी को आप उनकी शादी में नहीं ले गए तो। यार मुझे बेइज्जती से ज्यादा अपनी पिटाई की चिंता है। ना 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 दोस्तों ना। अरे जब तक तुम दोनों का दोस्त मुलायम सिंह गुलगुले जिंदा है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम दोनों से मैं काफी खफा हूँ। मतलब मिस्टर मीका इस चौकी में आए और तुम लोगों ने फोन करके मुझे इन्फॉर्म भी नहीं किया। अरे यार मुझे सूचित कर देते तो उन्नाव से दौड़ता हुआ आ जाता मैं। वो गुलगुले जी हम लोग बहुत टेंशन में थे। सब सुन लिया मैंने, सब सुन लिया। अगर गोपी उस मीका को लेके संधू के पास नहीं पहुंचा तो बहुत सुताई करेगा ना संधू इसकी। और फिर मीका इसकी बात सुन के तो वहां पे जाने से रहा क्योंकि इसकी कोई औकात तो है नहीं। Well. और मैडम रिक्वेस्ट करने से रही मीका को, तो अब क्या करें। तो इस सिचुएशन पे मेरे दिमाग में मेरा ही एक बहुत चीका पीका आई वांट मीका आइडिया आ रहा है। Yes! सुन। What? तो अगर संधू जी की शादी में मीका जी को लेके जाना है तो उसका सिर्फ अब ये एक ही रास्ता बचा है। Well, what is the रास्ता is the टेंशन में मैंने सुबह से नहीं किया नाश्ता is the। भैया अब हमें घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। अब आप और मैं मिलकर करेंगे मीका का किडनैप। क्या 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 कर ले यार गोपी कर ले। अरे जब किडनैप करोगे तो खुद तो किडनैपर वाले कपड़ों में होगे तो कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। और एक बार मैं संधू के यहाँ शादी में पहुंच गए फिर जो कलाकार होता है ना सच्चा कलाकार वो अपने फैंस को देख के सब कुछ भूल जाता है, कुछ याद नहीं रहता, मजा आएगा मजा। Well, are you sure is the? लता रफीक श्योर इज द। तो फिर ओके इज द। तो फिर तेरा अब होगा मीका का किडनैप। कैरी ऑन। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.